सोलन में पानी को लेकर मचे हाहाकार पर शहरी कांग्रेस और नगर परिषद के कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने नगर परिषद और भाजपा नेताओं को घेरना आरंभ कर दिया है। उन्होंने नगर परिषद को पूरी तरह से फेल बताते हुए कहा कि खादी ग्राम आयोग के अध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया राजनीतिक मर्यादाओं को लांघते हुए कभी नगर परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं तो कभी दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सारा सोलन बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। आईपीएच सही मात्रा में पानी की आपूर्ति तो कर रहा है, लेकिन नगर परिषद उसका वितरण शहरवासियों को ठीक से नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि शहर के कई क्षेत्रों में पानी रोज मिल रहा है तो कई जगह सातवें या आठवें दिन मिल रहा है। शहरी कांग्रेस अध्यक्ष जतिन साहनी ने भाजपा समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि नगर परिषद शहरवासियों को पानी उपलब्ध करवाने में पूरी तरह असफल रहा है, इसलिए विफलताओं को देखते हुए नगर परिषद अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही साहनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 4 दिन के भीतर शहरवासियों को पानी नहीं मिला तो वे नगर परिषद का घेराव करेंगे और नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने भाजपा नेताओं को स्मरण करवाया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा नेताओं ने घर घर जाकर पानी बांटा था और खाली बाल्टियां लेकर धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज उससे भी ज्यादा पानी की किल्लत है तो आज क्यों उन्हें शहरवासियों की परेशानी नजर नहीं आ रही है। मैं नगर परिषद अध्यक्ष को कहना चाहता हूं कि अगर वो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं और सोलन के लोगों की पानी की किल्लत को खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। और मैं भाजपा पे भी आरोप लगाता हूं कि जब कांग्रेस की हिमाचल में सरकार थी तो कभी वो खाली बाल्टियां लेकर कमेटी में और कभी माल रोड पर पानी बांट के ड्रामेबाजी करते थे। आज कहां हैं वो लोग? आज क्यों नहीं उन्हें पानी की दिक्कत नजर आ रही है? आज सोलन पानी की बड़ी समस्या से जूझ रहा है, इस दिक्कत को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, नहीं तो भाजपा के अध्यक्ष एवं पार्षदों को कहना चाहता हूं हम आपको 4 दिन का समय दे रहे हैं, अगर 4 दिन में ये समस्या सुचारू नहीं होती है तो हम नगर परिषद अध्यक्ष का घेराव करेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो हड़ताल पर भी बैठेंगे।